नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओकनोशिमा द्वीप के बारे में। ओकनोशिमा द्वीप चर्चा में है, आगामी जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ओकनोशिमा द्वीप कहाँ है, ये जापान में है। कहाँ है और जापान में है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे यूनेस्को ने क्या किया है, 9 जुलाई 2017 को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। किसको? ओकनोशिमा द्वीप को। याद रखिएगा, आगे की एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस मेंस हो, जितने भी एग्जाम आगे आने वाले हैं, हम सबको ये टॉपिक पता ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ओकनोशिमा द्वीप जो है ये जापान में है और इसको यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, इसलिए चर्चा में है। और सबसे रोचक बात यह है कि यह द्वीप केवल पुरुषों के लिए है, यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहां महिलाएं नहीं आती हैं, इनको नहीं आने दिया जाता है। कारण है इसका, अभी हम आपको बताते हैं इसका क्या कारण है। यहां महिलाओं का, इस द्वीप पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, यह सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। आगे, यह एक धार्मिक स्थान है। क्या है? यह धार्मिक स्थान है जहां पुरुषों को अनुष्ठान के तहत यहां आकर स्नान करना पड़ता है। मतलब यहां पुरुष आते हैं, स्नान करते हैं, मतलब धार्मिक ऐसा मान्यता है इसके कारण। और जब वहां पर स्नान करने जाते समुद्र तट पर, तो लोगों को नंगा होकर जाना पड़ता है, नग्न स्नान करना पड़ता है, इसी कारण से महिलाओं को यहां आने की अनुमति नहीं है। तो यह जापान के लिए धार्मिक दृश्य से जो है पवित्र है। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, ओकनोशिमा द्वीप कहां है? तो जापान में है। इसे कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो 9 जुलाई 2017 को शामिल किया गया। और ऐसा कौन सा द्वीप है जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो वो है ओकनोशिमा द्वीप, जापान में स्थित है। और यह किस किस्म का है? तो यह एक धार्मिक स्थान है। कैसा है? यह धार्मिक स्थान है। यह किस द्वीप पर है? यह किस द्वीप पे है? जापान तो द्वीपी देश है, यहां बहुत ढेर सारे द्वीप हैं। अभी जो आरओए आरोग का पेपर हुआ था, वहां पे भी जापान के द्वीपों को क्रम लगाने के लिए आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान के दक्षिण पश्चिम क्यूशु द्वीप कहां स्थित है? ये जापान के दक्षिण पश्चिम क्यूशु द्वीप स्थित है, तथा कोरिया के प्रायद्वीप ओकनोशिमा के मध्य स्थित। कहां है ये? क्यूशु द्वीप और कोरिया प्रायद्वीप के ओकनोशिमा के मध्य यह द्वीप स्थित है। यह द्वीप चौथी शताब्दी तक समुद्री सुरक्षा के लिए प्रार्थना स्थल और चीन व कोरिया के बीच संबंधों का केंद्र था। पोलैंड में हुए यूनेस्को की वार्षिक बैठक में 700 वर्ग मीटर में फैले इस द्वीप पर, इससे जुड़े रीफ है, यहां पे वैली रीफ है, घाटियां हैं, और चार अन्य संबंधित स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है। अब इसे सूची में आ जाने के बाद जो है इसको शामिल कर लेने के बाद जापान में सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 21 हो गई। कितनी हो गई फ्रेंड्स? 21 हो गई है ओकनोशिमा द्वीप को शामिल कर लेने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये बात थी ओकनोशिमा द्वीप की। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ओकनोशिमा द्वीप, इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है ओकनोशिमा द्वीप, थोड़ा सा विचित्र टाइप का है। इसको जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद जो है इसकी संख्या बढ़कर के जापान में सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़कर के 21 हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।